नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत आप सभी का टेक्निक इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसे कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप स्टोरी आर्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको ज़्यादा 3-5 करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही आसानी से स्टोरी आर्ट बना सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर लगाने के लिए या फिर डायरेक्ट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज बनाई हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक तो यही है जो कि आपके सामने अभी लगी हुई है, तो काफ़ी कमाल की लग रही है और देखने में ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा है तब जाके आपने इस स्टोरी को क्रिएट कर पाया, लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसानी से बना लिया था। और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्टोरीज और बनाई, तो पहली वाली स्टोरी ये है और दूसरी वाली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये स्टोरी ख़त्म होगी तो दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दूसरी वाली ये है, यहाँ पर फोकस अभी नहीं हो पाया, हाँ फोकस हो चुका है। तो देखिए बहुत ही कमाल की स्टोरी आप बहुत ही चंद सेकंड्स में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस तरीके की स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आते समय लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताया था कौन सी है वो एप्लीकेशन और किस तरीके से आप स्टोरी को क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मो स्टोरी। तो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसे बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस अलाउ करने के लिए पूछेगा ये, तो आपको परमिशंस को अलाउ कर देना जितनी भी परमिशंस ये मांगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारी टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगी, तो आपको जो भी टेम्पलेट्स अच्छी लगे वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट्स ले लेते हैं, तो देख लेते कौन सी टेम्पलेट्स ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने सारी के सारी ओपन करके तो नहीं देखी है, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी एक टेम्पलेट्स ले लेता हूँ। तो मैं इस वाली टेम्पलेट्स पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये वाली जो टेम्पलेट्स है वो आपके सामने आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ये देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शंस मिलता है हमको, तो हम एडिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एडिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्लस का आइकन दिखेगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है कि कौन से फोल्डर से आपको फोटोज क्लिक करने हैं यानी कि ऐड करने हैं, तो हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम कोई भी फोटो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले फोटोज पर क्लिक करेंगे, तो मैंने एक ये वाला फोटो ले लिया और एक ये वाला फोटो ले लिया, यहाँ पर मैंने दो फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक ये वाला फोटो और ले लेते हैं, यानी कि हम सॉरी ये वाला काट देते हैं और ये वाला फोटो ले लेते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जैसे हम यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके जो फोटोज हैं वो ऐड हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले बटन पर क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखेगा राइट का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेविंग मोड है वो ऑन हो जाएगी और आपकी ये जो टेम्पलेट्स है वो सेव हो जाएगी। तो हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और आपको यहाँ पर एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपनी फोटोज़ को एडजस्ट नहीं किया है तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कट रही है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुकी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मैरिज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोज आने लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।